जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और जब से मेयर का पदभार डॉक्टर शैली ओब्रायन ने संभाला है, तब से वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में जुटी हुई है, जिसके लिए वो लगातार कभी अधिकारियों के साथ तो कभी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रही है और दिल्ली कैसे साफ सुथरी हो इसके लिए चर्चा कर रही है और उस पर अमल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम दिया गया है अब दिल्ली होगी साफ। इसके तहत मेयर डॉक्टर शैली ओब्रायन एमसीडी प्रभारी एवं आप विधायक दुर्गेश पाठक के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर पदयात्रा कर रहे हैं और वहां की समस्या और उसके निदान पर चर्चा कर रही है। दौरे के समय उस इलाके के विधायक एवं सभी पार्षद मौजूद रहते हैं जो अपने अपने इलाके की समस्या मेयर को बताते हैं। आज उसी मुहिम के तहत मेयर डॉक्टर शैली ओब्रायन एमसीडी प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी अधिकारियों के साथ छतरपुर विधानसभा में पदयात्रा किया। मौके पर छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर और इस विधानसभा के तीनों निगम पार्षद भी मौजूद रहे। सभी ने 60 फुटा रोड पर पदयात्रा किया और इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा की। साथ ही छतरपुर विधानसभा कैसे साफ सुथरी रहे इसको लेकर भी चर्चा हुई और कुछ जरूरी निर्देश भी मेयर के द्वारा एमसीडी अधिकारियों को दी गई। हालांकि मेयर के आने के पहले एमसीडी कर्मचारियों द्वारा पूरे इलाके में झाड़ू मारकर चमका दिया गया था, लेकिन सवाल उठता है कि आज जैसे मेयर के दौरे को देखते हुए एमसीडी कर्मचारियों ने इलाके को जैसा चमका रखा था, क्या आगे भी ऐसा ही रहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। पेपर वर्क था जी, आप नरेश जी को दे दें, आज ही एक एप्लीकेशन आप डीसी को इसे करवा दो। ऑलरेडी इन्होंने सर्वे रखी हुई है, मैंने एस्टिमेट दी हुई है, इसका सर्वे भी करा दिया, सब कुछ वो काफी ठीक है, डेट का करा देंगे। डीसी आपको इतना दिन बोला ठीक सर, सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉइंट एक ऐसा है कि हमारे दोनों वार्डों पर इसके लिए भी सबसे बेहतरीन पॉइंट है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर के आपके चौड़ी हो, आपने बहुत ही अच्छी देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सफाई अभियान दिल्ली में हमने शुरू किया हुआ है और आज हम छतरपुर विधानसभा में आए हैं, साथ में दुर्गेश पाठक जी एमसीडी प्रभारी, यहाँ के विधायक करतार सिंह जी और हमारे तीनों निगम पार्षद हमारे साथ हैं, डीसी साहब हमारे साथ हैं, तमाम एमसीडी के जोनल ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और एक ही वादा है दिल्ली को जो किया हुआ है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है। आज हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे जनता की मांग है कि यहाँ पर एक FCTS मशीन लगनी चाहिए, तो आज अधिकारियों के साथ हमने चर्चा की कि जो कूड़े की समस्या है, जो एक आम प्रैक्टिस है कि कहीं भी कूड़ा जनता फेंक देती है, जब यहाँ पर मशीन लग जाएगी, एक ढलाव पॉइंट जो है मिल जाएगा नगर निगम को कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर डंप करना है। हम आज भी एक एक गली में और तीनों वार्ड में जाने वाले हैं और दिल्ली की जनता को एक बार फिर से आश्वासन दिलाते हैं कि एक एक गली और एक एक कूचा हम चेक करने वाले हैं, हमारी मैराथन निरीक्षण है और तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं हम सब ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका निरीक्षण करेंगे। दिल्ली कब तक आपके हिसाब से चमक जाएगी, जो आप लोग जो अभियान? देखिए, ये सफाई अभियान हमारा मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा और हमने पूरी दिल्ली की 250 के 250 वार्ड इसके अंतर्गत हमने पूरे कवर करने हैं और जिसमें तमाम विधायक, तमाम हमारे पार्षद अधिकारी सब हमारे साथ मैराथन निरीक्षण करने वाले हैं। आप जहाँ पे खड़ी हैं इससे राइट साइड में काफ़ी जाम होता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, तो इसके निदान के लिए भी कुछ उपाय किया जा रहा है? देखिए, यहाँ से विधायक जी और निगम पार्षद के साथ चर्चा करने के बाद हो सकता है हम ट्रैफिक पुलिस को कोई लेटर लिखें कि परमानेंट सोल्यूशन लगे, क्योंकि आने में हमें भी अभी समय लगा और काफ़ी एक रेड लाइट पर जाम था कुतुब मीनार या छतरपुर वाले मेट्रो स्टेशन के पास, तो इसका भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा मेयर साहिबा का, दुर्गेश पाठक जी का, कि आज उन्होंने छतरपुर विधानसभा के लिए समय निकाला और विजिट तो उनकी आज हो रही है। मेयर साहिबा पहले कई बार विजिट कर चुकी हैं अधिकारियों के साथ और मैं धन्यवाद करूंगा सभी का, अपने निगम के अधिकारियों का, निगम के नेताओं का, कि जब से एक वर्ष अभी पूरा हुआ है और ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली की जनता कह रही है कि दिल्ली बहुत हद तक साफ हो चुकी है और जो बाकी कुछ बचा है उसके लिए अभी मेयर साहिबा
दुर्गेश पाठक जी सभी आए हैं, 100% वो सारी जो कहीं सफाई में कमी रही है अगले 2 महीने में वो हमेशा पूरा हो जाएगा। आपके वार्ड ये क्षेत्र में विधानसभा में ये जो पॉइंट है आपको सौपुटा से आगे हाँ, तक ये काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती है, उसी के लिए बात करना चाहता था। बाकी तो जी मेयर मैडम और दुर्गेश जी बात कर चुके थे, काफ़ी 10 किलोमीटर तक लोग काफ़ी त्रस्त रहते हैं। 10 किलोमीटर का जाम नहीं है, जाम एक बार हो जाए तो बढ़ता चला जाता है। हमारा जो छतरपुर का सौपुटा रोड का टी पॉइंट है, यहाँ से जाम शुरू होता है। अभी आपने देखा होगा मैंने विधानसभा में भी इस पॉइंट की बात रखी है, और हमारा PWD में एक अभी प्रपोजल है जिस पे अभी स्टडी चल रही है। CDR चौक का जो एरिया है वहाँ पर एक एलिवेटेड है, MG रोड से जहाँ से आते हैं जौनापुर रोड से CDR चौक होते हुए और वहाँ तक एक उस पर काम चल रहा है कि एलिवेटेड बने। PWD उस पर काम कर रही है। और एक जो ये तिवोली से पीछे DLF के बाद नंदा हॉस्पिटल से आगे छतरपुर एक्सटेंशन से शुरू करके पूरे इस 100 फुटे रोड पे होते और कुतुब मेट्रो तक ये भी एलिवेटेड रखे, ये मैंने प्रपोजल रखा है, अधिकारियों से इस बारे में बात की है और ये भी हमारा प्रपोजल जो अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जिस तरह से दिल्ली सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, ये पॉपुलेशन छतरपुर विधानसभा में काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि हमारी जो विधानसभा है एक डेवलपिंग विधानसभा है, 20 इसमें गांव आते हैं, 80 अनऑथराइज कॉलोनी है। और यहाँ पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से विकास के इतने काम हुए हैं जितने कभी इस क्षेत्र में नहीं हुए थे, ये आप सबके सामने है। कॉलोनियाँ हमारी अच्छी हुई हैं, पीने के पानी की, बिजली की, स्कूलों की सारी व्यवस्थाएँ बनी हैं, तो लोग बहुत भारी संख्या में छतरपुर में बनने के लिए, रहने के लिए आए हैं। तो जाम की समस्या बढ़ी है, इसका बहुत जल्दी हम PWD से हल निकाल कर इस समस्या का 100% जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए।